So hello, welcome on to the new another amazing video. In this video I brought GTA San Andreas Definitive Edition Netflix lag fix solution, and ye jo lag fix solution hai iske andar main aapko 3 steps dikhane wala hu. I will show you how you can exactly fix your lag in your game and how you can improve your performance of your Android phone. Ye wala jo game hai bahut zyada high end demanded processor demand karta hai, obviously आपको पता है ये चीज़. सो इसलिए काफ़ी लोग प्रॉब्लम हो रही थी कि उनका गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा होता है, बिल्कुल अच्छे से नहीं चल रहा होता है. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोना शो यू द एंटायर सॉल्यूशन हाउ यू कैन यू नो फिक्स योर लैग एंटायरली. इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इन दिस चैनल आई ऑलवेज ब्रिंग GTA San Andreas videos that can actually help you to optimize your game for further. And abhi chalte hai, but if you did not subscribe yet, just subscribe the channel and press the bell notification icon. So let's go on to the first solution, which is the in-game settings. इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हुए मैं छोटा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ. सो फर्स्ट मैं आपको इन गेम सेटिंग दिखाऊँ, जहाँ पे अपने इन गेम सेटिंग से आप अपने जो है पूरे के पूरे जो FPS है उनको सही कर सकते हो, लैग फिक्स कर सकते हो. सबसे पहले हम अपना गेम ओपन करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गेम स्टार्टिंग से ओपन करेंगे. एंड ओपन करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन का जो आइकन, इस पर क्लिक करना है, ग्राफिक्स में जाना है. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रेजोल्यूशन, आप अपना जो है पूरा का पूरा लो कर देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन है ये आपके जैसे कि GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर होता था रेजोल्यूशन, तो वही है सेम चीज़ यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर. आप बाकी कुछ सेटिंग्स तो आपको नहीं छेड़ना है, आपको बस क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक में जाना है एंड रेजोल्यूशन को पूरा कम करें. और यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन आएगा ग्राउंड हेज का, ब्लूम का एंड क्लासिक लाइटिंग का, ठीक है, इन सबको ऑफ कर देना है. ऑफ करने के बाद में वराइटीज एंड कॉन्स्टेंट आपका जो है ऑप्शनल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर गेम लैग, यू कैन जस्ट लो दिस मेन सेटिंग एंड अदर सेटिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू चेंज योर अदर सेटिंग्स. तो जैसा आपको हमने देख लिया है ये सेटिंग्स यू हैव टू फॉलो एंड योर गेम विल रन वेरी स्मूथली. बट इफ यू फील लिटल बिट लैग, आई शो यू अदर सोल्यूशन इन दिस एंटायर वीडियो ऑल्सो, जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड. बट इफ यू हैज यू कैन सी गेम थोड़ा सा ज़्यादा ब्लरी दिख रहा है, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दिस गेम. इफ यू वॉन्ट टू क्लियर यूर गेम लाइक अभी इतना ज़्यादा ये ब्लरी दिख रहा है और काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस खराब होगा. सो आई वुड सजेस्ट इन दिस सिचुएशन ये हो रहा है आपके रेजोल्यूशन की वजह से, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर रेजोल्यूशन इन गेम. अगर आपको लगता है ज़्यादा ब्लर है, यू हैव टू फिक्स द रेजोल्यूशन. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट गो इन टू द सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन द ऑप्शंस, यू हैव टू गो ग्राफिक्स एंड यू हैव टू इम्प्रूव रेजोल्यूशन लिटल बिट. अब रेजोल्यूशन को यू नो जस्ट 30-40% करने के बाद में यू विल फील कि आपका गेम थोड़ा अच्छा दिखने लगा है. इफ़ यू फील कि आपको और ज़्यादा बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो. बट रिमेंबर वन थिंग, योर गेम विल इम्पैक्ट, आपका गेम लैग हो सकता है. इन दिस केस यहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन को कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर गेम एक्सपीरियंस, राइट. आपको जैसा लगा कि मेरे को इस रेजोल्यूशन पे खेलना है, यू कैन प्ले, बट योर गेम विल लिटल बिट लैग. सो ऑब्वियसली आपको अपना रेजोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग सेट करना रहेगा, और मोस्ट ऑफ द लो एंड डिवाइसेस के लिए रेजोल्यूशन में पूरा ही कम आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये आपकी गेम के अंदर इफेक्ट कम डालेगा और गेम आपका अच्छे से चलेगा. सो मूविंग ऑन द सेकेंड सॉल्यूशन, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, सर्च करना है अबाउट डिवाइस. अबाउट डिवाइस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करके एंड्रॉयड वर्जन में जाके वर्जन में जा करके एंड यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है. यहाँ पे 2-3-4 बार आप क्लिक करोगे, यू विल गेट डेवलपर मोड, राइट. और ये डेवलपर मोड आपको यहाँ पे सर्च करना है, डेवलपर मोड. आप डेवलपर मोड जैसे सर्च करोगे, यू विल गेट योर डेवलपर ऑप्शंस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी. और मेरे फ़ोन के अंदर ऑप्शन है दैट आई कैन एक्सटेंड माई रैम अप टू 8 GB. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्लिक करूँगा और मैं अपनी रैम को जो है पूरा 8 GB तक इंक्रीज़ कर दूंगा. सो ये क्या होगा कि यार आपके फ़ोन में अगर ये ऑप्शन है तो आप अनेबल कर सकते हो, हर किसी के फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होता है. मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तो अगर जिस फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपना जो है पूरा का पूरा रैम
यूज़ करो जब आप फ़ोन में गेम खेल रहे हो, क्योंकि ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपना रैम जो है जितना ज़्यादा रख सको उतना रख लो, ठीक है। उसके बाद में फोर्स 4x MSS, ठीक है, ये ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न ऑन गाइज, बिकॉज इस ऑप्शन से आपका फ़ोन का GPU फोर्स होगा और आपका गेम जब आप गेम खेलोगे तो आपका GPU यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। यू हैव टू टर्न ऑन दिस सो दैट आपका जो गेम है वो अच्छे से स्मूथ चले। और ट्रस्ट मी गाइस, जो बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर मोड होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो इन गेम लाइक इन फोन सेटिंग्स सेटअप करना तो दिस वुड बी वेरी अमेजिंग सेटिंग। बट मेक श्योर कि यार जिनका फ़ोन थोड़ा मिड एंड है और थोड़ा हाई एंड है वो लोग इस सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है मे बी ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने के लिए मिले। बट ऑब्वियसली जो लो एंड डिवाइसेस है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन यू ओपन योर गेम जस्ट क्लियर ऑल द बैकग्राउंड एप्लीकेशन विच इज़ रनिंग इन योर बैकग्राउंड। सो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन विल क्लीन अप और उससे आप अपने गेम को ईजिली खेल पाओगे, बिकॉज आपका गेम पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर आपका जो फ़ोन है वो पर्टिकुलर गेम को टारगेट में रखते हुए अपने यूजेबिलिटी को जो है मैनेज करेगा और दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि हम अपने फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ जो है अपने गेम को ज़्यादा पावर देना चाहते हैं, तो उस सिनारियो में अगर आप अपने बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन रन करोगे, लाइक कुछ लोगों के फ़ोन में व्हाट्सएप रन होता है और कुछ लोगों के फ़ोन में इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन को ऑलरेडी रन करके छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद में वो गेम ओपन करते हैं, दैट विल लैग योर गेम। सो जस्ट मेक श्योर कि डोंट ओपन एनी एप्लीकेशन इन बैकग्राउंड व्हाइल यू आर प्लेइंग, जस्ट रिमूव ऑल द एप्लीकेशन फ्रॉम द बैकग्राउंड बिफोर यू आर लॉन्चिंग योर गेम। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपने गेम के अंदर लैग फिक्स करना चाहते हैं और लैग फेस कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, और जो लोग अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस भी इवन बढ़ाना चाहते हैं। यू कैन डू दिस थिंग फॉर ऑल द गेम्स यू प्ले गाइज, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्या बेसिक चीज़ें होती है बट कुछ लोगों को नहीं पता होता ये, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइज, जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे आप इनको नोट भी कर सकते हो एक नोटबुक के अंदर सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग वाइल यू आर प्लेइंग। दिस इज ऑल द वेरी बेसिक थिंग्स। द लास्ट थिंग विच आई एम गोना शो यू विल ब्लो अप योर माइंड, क्योंकि ये वाला जो चेंज होने वाला है ये आपका पूरा गेम चेंजर होने वाला है, पूरा का पूरा फ़ोन आपका चेंज कर देगा। वो क्या सॉल्यूशन है आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट इन अ वाइल, बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टिल नाउ जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट, बिकॉज आई ऑलवेज अपलोड वीडियोज रिलेटेड टू GTA San Andreas, GTA 5 एंड GTA Vice City एंड ऑल द गेम्स। आई विल ऑल्सो अपलोड सम अदर अमेजिंग न्यू वीडियो इन द फ्यूचर। But if you guys have some suggestion for great videos, just tell me in the comment section. Now without wasting any more time, just moving further, and we have the third solution, which is the last solution, which will be the installing ROM. Now guys, I know installing ROM will require root your phone. I know this is very risky thing, but trust me guys, I have tried that thing. मैंने अपने personal phone के अंदर भी अपने ROM को change किया है, क्योंकि अपने phone के अंदर थोड़ा बहुत lag मैंने देखा था और I feel I have to change my ROM so that मैं क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट देख सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ टेक पर्सन, आई ऑलवेज ट्राई सम न्यू थिंग्स इन माई फ़ोन इन माई PC। सो जब मैंने अपने फ़ोन के अंदर फर्स्ट टाइम ROM इंस्टॉल किया बाय रेफरेंस ऑफ माई फ्रेंड, आई फील अमेजिंग परफॉर्मेंस, लाइक जो एप्लीकेशन इवन लैग करती थी वो भी लैग नहीं कर रही थी। माई फ़ोन वॉज सो स्मूथ इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्राउजिंग, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोडक्टिव टास्क दैट आई डू इन माई वर्क इन माई फ़ोन, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। ट्रस्ट मी गाइज, इन योर गेमिंग एक्सपीरियंस इट विल इम्प्रूव योर गेमिंग एक्सपीरियंस। सी मोस्ट ऑफ द पबजी गेमर्स प्रीफर करते हैं कि अपना ROM को यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि क्या होता है ROM का एक बिगेस्ट रीज़न ये होता है इंस्टॉल करने का कि आपके फ़ोन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती है जो कि कंपनी के द्वारा दी जाती है वो आपके फ़ोन को स्लो कर देती है, एंड विच जहाँ पे हमारा चीज़ आता है वो होता है ROM। तो वॉट ROM डू इज़ एक्चुअली रिमूव ऑल योर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस, एक पूरा न्यू इंटरफेस आपको प्रोवाइड करती है और उससे यू फील वेरी स्मूथ फ़ोन। और उस सिनारियो में आप अगर अपने गेम को खेलते हो
खेलते हो यू विल फील अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू ऑलरेडी रिमूव्ड योर ऑल एप्लीकेशन विच आर डिफॉल्ट एप्लीकेशन. तो अब आप अपने फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ों को करके अपने फ़ोन को एक सुपर स्मूथ गेम डिवाइस बना सकते हो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो टिल नाउ बिकॉज इस वीडियो में काफ़ी सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए फॉर योर JT सैन एंड्रियास एंड्रॉयड डेफिनेटिव एडिशन लैग इशूज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू गिव मी सजेशन फॉर द फ्यूचर वीडियोज बिकॉज मुझे तो पता ही है वॉट आई हैव टू अपलोड. But I wanted to take suggestion from you guys just. So I hope you like this video. Again, thank you so much for watching this video. And now, signing out.